बरसात का मौसम लगभग शुरू हो गया है और प्रदेश में इससे नुकसान भी होने लग गया है। पिछली बरसात में चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर मंडी से पंडोह के बीच 6 और 9 मील ने जो कहर बरपाया था उसे याद कर हर किसी की रूह कांप जाती है। मंडी से पंडोह के बीच 4 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, जिसमें एक नन्हा मासूम भी शामिल था। लेकिन यहां पर 4 लेन के निर्माण कार्य में जुटी KMC कंपनी इस बार और बड़े हादसे और अनहोनी का इंतजार कर रही है। 6 और 9 मील के पास कंपनी ने पिछली बरसात में गिरे मलबे के कुछ हिस्से को अभी तक सिर्फ खाना पूर्ति के लिए हटाया है और बाकी मलबा वैसे ही पड़ा है जो इस बार कहर बनकर गिरने वाला है। मैं प्रशासन से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वो एनएचआई को ये संदेश दे कि जो 9 मील और 6 मील के बीच में जो हमारा स्लाइडिंग पॉइंट है वहाँ पिछले 3-4 सालों से स्लाइडिंग कंटिन्यूटी में होती रहती है और वहाँ ना जाने कितने लोगों ने जो अपनी जान भी गवा दी है। तो मेरा प्रशासन से विनम्र निवेदन रहेगा कि वो NHAI को आदेश दे कि जो स्लाइडिंग वहाँ 2-3 जगहों में पड़ी हुई है उनको जल्द से जल्द उठाया जाए क्योंकि बरसात सर पे आ रही है। मैं चाहता हूँ कि जो स्लाइडिंग पॉइंट है वो खुले हो जिससे कि यातायात में जाने की समस्या ना उत्पन्न हो। कुछ दिन पहले हमें प्रशासन से ये भी सुनने को मिला था कि ये स्लाइडिंग जो है बहुत जल्द उठने वाली है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरा एक बार पुनः विनम्र निवेदन रहेगा कि NH वाले को स्लाइडिंग उठाने का कार्यभार सौंपा जाए। वही जब इस बारे में KMC के प्रोजेक्ट मैनेजर राज शेखर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कंपनी सारी व्यवस्थाओं के प्रबंधन में जुटी है, सड़क यातायात के लिए पूरी तरह से बहाल है। अगर मलबा गिरता है तो उसे तुरंत हटाने के लिए मशीनरी भेज दी जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।